हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मेरे पिंपल्स हो गया, यहाँ पे इतना बड़ा दर्द हो रहा है और मेरा गुम्मू सो रहा है। उसकी तरफ से भी सबको गुड मॉर्निंग। अभी मोबाइल देख रहा है ये। तो मैं ला के रेडी हो चुकी हूँ अभी नहाई तो भी ऐसी गर्मी लग रही है। बना के रेडी हो चुकी हूँ और कपड़े भी धोके सुखा दिए हैं मैंने। और आज मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो रही है, उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। पापा तो आज सारा काम मैं कर रही हूँ घर का, बाकी का थोड़ा बहुत हेल्प पापा करवा रहे हैं मेरे। और बाकी का थोड़ा जो भी होगा मैं करूँगी। शायद आज मैं वापस भीलवाड़ा भी जा सकती हूँ क्योंकि मेरे काम है। और क्या काम है वो भी मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में, आप बने रहिए मेरे साथ। और धूप बहुत तेज है तो गर्मी इतनी लग रही है छत पर नाली, फिर भी इतनी गर्मी हो रही है पता ही नहीं चल रहा है कि नहाई भी हूँ नहीं नहाई, पसीने से और नहा रही हूँ जैसे ऐसे लग रहा है मेरे को। हेलो फ्रेंड, प्लीज़ आप लोग मेरे को सपोर्ट करो। मैं दिल से चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली हो तो मैं आपको यह बोलना चाहती हूँ कि भाई मैं कल भीलवाड़ा गई थी, मैंने वीडियो में डाला था, आप सबको पता हो, मेरे ससुराल वाले घर में जहाँ मेरे हस्बैंड ने लिया था मेरा घर हम लोगों के रहने के लिए, मेरे बच्चे के रहने के लिए। तो जिस चीज़ की मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे, वही चीज़ हुई है मेरे साथ। कल मुझे धक्के धक्के घर से बाहर निकाला गया वहाँ से। और उन लोगों को पता है कि उस पे हमारा हक है, और उसके बावजूद भी उन लोगों ने हम लोगों को धक्के दिए और मेरे को बोल रहे हैं कि मैं पुलिस कंप्लेंट करेंगे हम लोग। भाई आप लोग पुलिस कंप्लेंट क्यों करोगे, मुझे इस चीज़ अभी तक समझ में नहीं आ रही। जिस चीज़ का पर हमारा और मेरे बच्चे का अधिकार है, चलो ठीक है मेरा नहीं है, मेरे बच्चे का तो अधिकार है ना, तो मेरे को धमकी दे रहे हैं कि मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूँगा। और जैसे बड़े वाले भाई साहब मेरे जेठ लगते हैं, और हर चीज़ से मुझे धोखेबाजी मिल रही है वहाँ से, क्योंकि दुकान में से माल खाली करवाया वो भी मेरे बड़े वाले भाई साहब जैसे मेरे जेठ होते हैं उनका ही हाथ रहा हुआ है उसमें। क्योंकि ये बाद भी अब मुझे पता चल रही है कि इसके पीछे किसका हाथ था। और जितना माल बेचा उन तीन लोगों ने उनमें पार्टनरशिप रखी, क्योंकि जिनके साथ पार्टनरशिप थी उनको पता है कि वो उनका भाई है तो दूसरे को भी कुछ बोलेंगे नहीं। तो बड़े वाले भाई साहब ने मिलके हम लोगों के साथ गेम खेला, मेरे बच्चे के साथ और मेरे साथ। और मार्केट में क्या बोला कि इसका बच्चा पागल है तो, और ये अभी बाहर निकल नहीं सकती है तो हम लोग बेच के माल और पैसा हमको दे दो, और बच्चे के लिए FD करवानी है। अगर FD करवानी है आपको तो बच्चे को साथ ले जाते हैं, अपने बलबूते पे बेचते हैं, और इसमें हर चीज़ में मेरे जेठ का हाथ रहा हुआ है। और आप लोग कौन होते हो मुझे घर से निकालने वाले? आपका अधिकार क्या है उस घर में? अगर अधिकार है तो अपने बलबूते पे लो उस घर में आकर के, पर मुझे मेरे पति के घर से निकालने का अधिकार आप लोगों का बिल्कुल भी नहीं है। और आप किस चीज़ हक से मेरे घर में आ रहे हो? मेरे घर में रहने का अधिकार आपका नहीं है। मैं आज भी आप लोगों को बोल रही हूँ, और ये वीडियो अगर आप तक आ रही है मेरी तो आप सुनो कि मैं आप लोगों को छोड़ूंगी नहीं। आप लोग जितना मेरे साथ गिरते जा रहे हो, मेरे साथ जो कर रहे हो ना, उस चीज़ का हिसाब आप लोगों को देना पड़ेगा। क्योंकि मेरे बच्चा मन बुद्धि है, ठीक है मन बुद्धि है, पागल है जैसा भी है, मेरा बच्चा है। मैंने आपको नहीं बोला कि मेरे बच्चे को आप पालो या रखो, वो जो है जो मेरा बच्चा है। और एक माँ के लिए बच्चा ही सब कुछ होता है, जैसा वो कैसा भी किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो। और अगर आप भाई साहब मेरी वीडियो सुन रहे हो तो मैं आपको भी एक बात बोलना चाहती हूँ कि इतनी नीचता पे मत गिरो कि ये सब कुछ होने लग जाएगा। आपको अगर पुलिस बुलानी है तो पुलिस दोनों पक्ष सुनेगी, एक पक्ष नहीं सुनेगी, मेरी भी बात सुनेगी, आपकी भी सुनेगी। तो और आप मेरे बच्चे को मारने का हक आपको किसने दिया? किसने बोला कि आप मेरे बच्चे पे हाथ उठाओ? नौकरानी से हाथ उठवा रहे हो, आपको शर्म नहीं आई मेरे बच्चे को मारते हुए? नौकरानी को बोल रहे हो इसको धक्के दे के घर से बाहर निकालो, क्यों, किस लिए, आपका क्या अधिकार है? वो उसके बाप का मकान है, उसमें 10 बार आएगा। आप मुझे रोक सकते हो, मेरे बच्चे को नहीं रोक पाओगे उस घर में आने से। और अगर आप
ये सोच रहे हो कि मैं गुन्नू को भी रोक लूँ, माँ आने से मना कर दूँ, तो ये कभी नहीं होगा ज़िंदगी में। और वो मन बुद्धि है तो वो 10 बार आएगा उस घर में, और 10 बार उस घर में आके खड़ा होगा, आप धक्के दोगे, और अगर मेरे बच्चे पे हाथ उठाओगे तो मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूँगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को मारने की या नौकरानी से हाथ उठवाने की, और मैं उस नौकरानी के खिलाफ भी केस करूँगी। ये उसको पता नहीं है कि एक बच्चे को धक्का मुक्की करना जो दिमाग से ऐसे कमज़ोर है, तो आप सोचो कि उस नौकरानी के खिलाफ, आपके खिलाफ क्या केस बनेगा एक बच्चे पे हाथ उठाने का। और बच्चा जो अगर मन बुद्धि है तो उस पे हाथ उठा रहे हो ना आप, तो आप लोग, भगवान भी आपको माफ़ नहीं करेगा और मैं भी नहीं करूँगी, और पुलिस के कंप्लेन मैं करूँगी कि आपने मेरे बच्चे पे हाथ उठवाया है और मेरे बच्चे पे आप ये जुल्म कर रहे हो। क्यों, किस लिए? उसके बाप का घर है ना, आप रोकने वाले कौन होते हो? आप उसके ताऊजी लगते हो तो ताऊजी बन के रहो ना, उसके बाप की जगह लो ना आप। उसको हाथ लगाने की हिम्मत आपकी कैसे हो गई थी? और ये सोच रहे हो कि मेरे ऊपर आप पुलिस केस करोगे, तो पुलिस केस दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता। और मैं उस ख़ानदान से नहीं हूँ कि आप लोगों के खिलाफ़ पुलिस केस करूँ, और मुझे करना होता तो मैं कब का ही कर लेती पुलिस केस। और मुझे पुलिस केस में कोई इंटरेस्ट है भी नहीं, मैं पढ़ना भी नहीं चाहती हूँ। लेकिन आप जो कर रहे हो ना, मेरे बच्चे, बच्चा आ रहा है, मेरे बच्चे को रोक रहे हो, आप नौकरानी से धक्के लगवा रहे हो, आपका क्या अधिकार है? कोई अधिकार नहीं है मेरे बच्चे पर हाथ उठाने का। और अगर मेरे बच्चे पे आपने हाथ उठाया है ना, तो आपने ये सबसे बड़ी गलती कर दी मेरे बच्चे पे हाथ उठा के। ये चीज़ एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पर एक जो दिमाग से कमज़ोर है बच्चा, उस पर आप हाथ उठवा रहे हो, ये माँ कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये चीज़ भी आपको पता है ना कि पुलिस का केस किससे लगता है, क्या नहीं लगता? मैं तो पागल हूँ ना, मेरे को तो पता ही नहीं है पुलिस केस क्या होते हैं। और आप मेरे बच्चे को हाथ लगा रहे हो ना, ये सबसे बड़ी गलती कर दी आपने, कि आपने नौकरानी से मेरे बच्चे के हाथ लगवाया। आप फ़ोन पे उसको बोल रहे हो कि इसको धक्का दे के बाहर निकालो, आपकी हिम्मत क्यों नहीं सामने आने की? आप सामने आके बात करो, मेरे बच्चे को हाथ लगाओ ना आप, आके आप भी लगाओ मेरे बच्चे को। और मेरा बच्चा एक बार नहीं 10 बार उस घर में आएगा। मैं आज भी इस वीडियो के थ्रू आपको बोल रही हूँ कि मेरा बच्चा आएगा उस घर में, और मेरे बच्चे को मारने का आपका बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। बोल ना बच्चा, तेरे साथ क्या हुआ जो बता, सबको पता चले सबको। तो फिर देख लीजिए, कल मैं अपने घर पे गया, वो मेरे पापा का घर है, और मैं बोल देता हूँ इन्होंने मुझे भी मारा बहुत बुरी तरीके से, और ताऊ जी ने बोलकर काम वाली से इसको धक्के मार के बाहर निकाल। अभी कोई बात होती है, जो बाप की प्रॉपर्टी है तो उसके बेटे का अधिकार तो है ही, ये तो कोर्ट भी जानती है, कोर्ट भी जानती है और सेशन कोर्ट भी जानती है। तो फिर बात नहीं करते हैं इसकी, बात ज्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि ये मेरा बच्चा भी सेशन कोर्ट में तो बाद में जाएंगे, फिर उस कोर्ट में भी बाद में जाएंगे, लेकिन मेरे बच्चे पे हाथ उठाने का अधिकार, ये ऐसा मासूम बच्चा है मेरा, और उन लोगों का क्या अधिकार है मेरे बच्चे पे? वो लोग हाथ उठा रहे, वो काम वाले से बोल रहे हैं फोन करके कि इनको धक्के दे के बाहर निकालो, क्यों? हाँ, बात कोई बात होती है, जो इसका बाप के सारा पैसा है मेरे पापा ने लगाया है, और ये चीज सबको पता है कि इसके पापा ने इसके नाम पे मकान लिया था। ये चीज उस हमारे मेरे जेठ को भी पता है कि ये मकान इसके लिए लिया, क्योंकि उनको पता था कि मेरा बच्चा पैसा नहीं कमा सकता है, काम नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए उन्होंने पहले ही वो प्रॉपर्टी लेकर के रखी थी कि भाई कि कल इसको कोई वो चीज़ बेच के या उस घर में रख के भी इसको रखेंगे, पालेंगे। समय का आजकल कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए, इसीलिए उन्होंने ये मकान लिया था इसके लिए। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करो हम लोगों को। थैंक यू।